जिला परिषद मैरावाड़ से शुभकर्ण सिंह दमखम से चुनाव प्रचार में लगे हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि समाज सेवा से जुड़ी है और स्वयं भी वह समाज सेवी व मिलनसार व्यक्तित्व होने से उनको हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। शुभकर्ण सिंह ने आज सिद्धार्था इलाके के विभिन्न पंचायतों का दौरा कर लोगों से वोट रूपी आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर शुभकर्ण सिंह ने कहा कि वह जीतने के बाद किसानों की आवारा पशुओं द्वारा फसल उजाड़ने की प्रमुख समस्या को प्राथमिकता से हल करेंगे, वहीं गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके पिता ठाकुर रुमाल सिंह व माता कांता देवी ने अपने समय में सैकड़ों गरीब लड़कियों की शादी व पढ़ाई में मदद की है, अतः वह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने पैसे से गरीब लड़कियों की शादी, गरीब बच्चों की पढ़ाई, अति गरीब लोगों के लिए मकान बनाकर उनकी मदद करेंगे। उन्होंने युवा वर्ग को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए हर पंचायत में बच्चों को खेल की सामग्री वितरित करेंगे और जिम भी स्थापित करेंगे। हर गांव में, हर गली में लाइट लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं समाज सेवा के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरा हूं। मुझे पद प्रतिष्ठा व राजनीतिक लाभ देने का कोई भी लालच नहीं है। नमस्कार, हिमाचल अपडेट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिला परिषद मैरावाड़ से जो प्रत्याशी हैं शुभकर्ण सिंह जी, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो समाज सेवा की रही है, इनके माताजी कांता देवी वो भी पंचायत लेवल पर काम कर चुकी हैं और उनके पिताजी वो भी समाज सेवा में जुड़े रहे हैं और आज ये भी पिछले लगभग 20 वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जहाँ ज्वाली क्षेत्र में शिक्षा की, जो उच्च शिक्षा की बहुत ही कमी थी, तो इन्होंने, इनकी माताजी की प्रेरणा से इन्होंने चलवाड़ा में एक बहुत ही शिक्षक संस्थान खोला जिसमें आज बीएड की पढ़ाई की जाती है और उसमें हजारों जो लोगों को वहाँ यहाँ पर फायदा हुआ है। तो आज ये समाज सेवा के उद्देश्य से ही ये चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं, तो आज हम इनसे रूबरू होंगे कि इनका जो चुनाव उतरने का क्या उद्देश्य रहे और इनकी क्या क्या विजन रहेंगे आगे चुनाव जीतने के बाद। तो शुभकर्ण जी, आपका हिमाचल अपडेट में स्वागत है। नमस्कार जी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपका जो ये चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या रहा है? मेरा चुनाव लड़ने का, राजनीति आने का समाज सेवा है, जिससे मैं महिलाओं, बुजुर्गों और अपने जो नौजवान साथियों हैं उनको, मतलब उनके बुजुर्गों की सेवा कर सकूँ और नौजवान साथियों को रोजगार दे सकूँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे यहाँ जो ये इलाका हमारा है 15 पंचायत जिसमें आप लड़ रहे हैं, उसमें से क्या समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाई हैं? जो हमारी 14 हैं, जैसे 7 हमारी ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और 7 हैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, इसमें सबसे ज़्यादा है कि आवारा पशु, जो हमारे, क्योंकि गरीब किसान हैं जिसके, इसकी 5 कनाल ज़मीन है, 10 कनाल ज़मीन है, तो जहाँ पर इतने आवारा पशु हैं कि लोग खेती करना भी अब छोड़ रहे हैं। तो मेरा पहले प्राथमिकता होगी कि जैसे जो हमारे एग्रीकल्चर की स्कीमें होती हैं जिसमें तारबंदी लगाना या कुछ, या गौशाला को बनाना और अपडेट करवाना, जो सबसे पहले मेरी किसानों के लिए ये होगी। और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको जैसे पेंशन नहीं लगी हुई है, उनको पेंशन लगवाना, और जो मेरे नौजवान साथी हैं, भाई हैं, उनके लिए जैसे हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है ना, तो उनके लिए मेरा एक है कि हमारी जो 14 जैसे 7 जहाँ की पंचायतें हैं और 7 फतेहपुर से हैं, तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जैसे इनका खेलने की किट वगैरह हम देंगे इनको, और एक जिम, मतलब हर एक पंचायत में एक जिम खोल दूंगा मैं, जो अगर उसमें हमें जैसे फंड अगर गवर्नमेंट देती है तो ठीक है, नहीं देते तो मैं अपने पैसे से ही, मतलब इनको मैं 14 मतलब पंचायतों में इनको जिम किट दूंगा। हाँ जी, एक शुभकर्ण जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए काफ़ी योजनाएं चालू कर रखी हैं, जैसे गरीबों की शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, मकान बनाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो योजना जो है वो गरीबों तक नहीं पहुंचती है या उसका बजट नहीं होता है। तो आप अपने स्तर पर, आप कोई ऐसी योजना है आपके पास जो इन गरीब लोगों की मदद हो? हाँ, मेरे जैसे हमारे, मेरे दादी जी थे मनसा देवी जी, वो मतलब उन्होंने भी कम से कम 50 से 100 तक लड़कियाँ की मैरिज की हुई है दादी जी, और मेरे पिता भी सामाजिक कार्य करते हैं ठाकुर माल सिंह जी, वो अभी भी उनको मतलब 88 से एक्सपायर हुए, लेकिन अभी भी उनका नाम चलता है, क्योंकि नाम तभी चलता है क्योंकि वो एक अच्छे कार्य करते हैं। मेरी माता जी भी, और आगे हम भी कर रहे हैं, जैसे मतलब मैं तो, हम तो हमेशा ही तत्पर रहते हैं इनको गरीब सेवा करने के लिए, लोगों के लिए, तो जो जो होगा तो मैं साथ साथ में इनका साथ देता रहूँगा, गरीबों के साथ हमेशा मैं साथ खड़ा हूँ और साथ आगे रहूँगा, चाहे उनके मकान हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के बारे में हो, चाहे उनके
मतलब शादी विवाह वगैरह हो उनके साथ मैं गरीबों के साथ हमेशा तत्परे साथ कंधे पर कंधा लेकर खड़ा रहता हूँ। तो शुभकर्ण जी, अंत में हम ये आपसे पूछेंगे कि आप इस मौके पर मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? कि मेरी सभी से यही विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़कर है कि मेरा चुनाव निशान जो कि टोपी है, टोपी पर मोर लगाकर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जताएं, क्योंकि मेरा पिछला जो खानदान नहीं है वो सामाजिक कार्य करे, क्योंकि मेरा कोई भी अभी तक मतलब जैसे कोई ना मेरे पिताजी MLA थे ना हैं, ना मेरा किसी MLA का ऊपर मेरे पर आशीर्वाद है या मंत्री का, मेरे तो सिर्फ लोगों का, गरीब आदमियों का, गरीब भाई नौजवानों का ही साथ जी। जिला परिषद वार्ड मैरा से ये प्रत्याशी हैं और इनका जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य है, इन्होंने कहा कि वो समाज सेवा करेंगे क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि समाज सेवा से ही है, इनके माता पिता भी समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और इनका कहना है कि सरकार की योजनाएं अगर लोगों तक नहीं पहुंचती है तो वो अपने स्तर पर गरीब लड़कियों की शादी करवाएंगे और इसके साथ उनकी बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे और जो गरीब मकान नहीं होगा उसके लिए मकान बनाकर देंगे। कुल मिलाकर इन्होंने कहा है कि मेरा जो उद्देश्य है चुनाव लड़ने का वो समाज सेवा ही रहेगा।